जय हिंद साथियों, वेलकम टू एस एस चाहरप्री मेडिकल सेंटर आगरा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एस एस चाहरप्री मेडिकल सेंटर आगरा में। कि अभी हमारे एयरफोर्स के बच्चे जो है अपना रिटर्न देकर फ्री हुए हैं और अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, तो इसी को लेकर हमें पता चला कि आगरा में एक कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए हैं जो लुथेनिया, आयरलैंड, डब्लिन वगैरह में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट रहे हैं, और उन्होंने आगरा में विजिट किया किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास और हमें पता चला कि वो यहाँ आगरा में आए हुए हैं। तो हमने उन्हें अप्रोच किया कि क्यों ना अभी एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ है और क्यों ना हम उनसे जाकर बात करें ताकि वो हेल्प कर सके आप लोगों की। जैसे हमें पता है कि एयरफोर्स में ईसीजी वगैरह होती है, ऑलमोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होते हैं कि ईसीजी में बहुत सारे बच्चों को पॉइंट दिए जाते हैं। तो हमने उनको अप्रोच किया, ऑब्वियसली वो बिलोंग करते हैं इंडिया से ही, बट इस काफ़ी टाइम से उनकी पूरा जो कार्डियोलॉजी है वो फॉरेन में ही हुआ है और काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी नॉलेज है। इससे पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी तो इस चीज़ को लेकर हमारा उनसे डिस्कशन हुआ था कि क्यों ना हम इस तरीके से कुछ कर सकते। उस टाइम पे हम ट्राई कर रहे थे कि हम ऑनलाइन या वीडियो कॉल पर उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करें, बट ये हमारा लक कहिए कि वो उनका इंडिया विजिट हुआ किसी चीज़ के लिए और मुझे पता चला कि वो इंडिया आए हैं, तो मैं पर्सनली जाकर उनसे मिला और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं और इनको नॉलेज दे सकते हैं कि हम ईसीजी को लेकर कैसे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं पॉइंट। तो थैंक्स टू मिस्टर सुमित राणा जिन्होंने हमारी ये हेल्प की और हमारे एक बार रिक्वेस्ट करने पर ही वो आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर सुमित राणा का जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जानते हैं कि हम ईसीजी को कैसे ठीक कर सकते हैं। प्लीज सर, मेडिकल की जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज्यादा आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा हमारा हौसला बनेगा और हम जो है वीडियोस जो है बनाते रहेंगे। अपना प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। सकते हैं प्लीज सर। थैंक यू सो मच सर। और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम डॉक्टर एसएसआर क्लिनिक पे और थैंक यू सो मच आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम हमें दिया। सर जो है सिर्फ 5 दिन की विजिट पर हैं आगरा में और इस 5 दिन में भी उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला इन सारी चीज़ों के लिए, इसके लिए हम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच सर। तो मैं चाहूँगा कि आप कैमरा लगाएं ताकि बच्चों को जो है अच्छे से सारी चीज़ें सुनाई दें और ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए। ठीक तो, है सर जो प्रॉब्लम है हम जो आज आपसे डिस्कस करना चाहते हैं सर वो इस चीज़ से रिलेटेड करना चाहते हैं कि जैसे हमारे जो बच्चे हैं एयरफोर्स वगैरह के लिए जो अप्लाई करते हैं या एससीजीडी के लिए जो अप्लाई करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या रहता है एयरफोर्स में बच्चों को ईसीजी को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। हाँ, है ना। हाँ, जैसा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था और ये चीज़ बताई थी, तो आज हम चाहते हैं कि आप ओपनली बच्चों को बताएं कि ईसीजी में ये प्रॉब्लम्स उनके साथ कैसे क्रिएट होती हैं, उनके कॉजेस क्या हैं, हम उन्हें कैसे नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है, हम उन्हें क्या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिनसे उन्हें प्रॉब्लम ना आए। हाँ सर, तो इसी चीज़ के लिए हम जो है आपका इतना वैल्यूबल और हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को ताकि आपको भी, आई नो बहुत सारे काम हैं इंडिया में इस चीज़ को लेकर। तो सर सबसे पहले क्या होता है कि बच्चा जैसे ही ईसीजी के लिए जाता है, ठीक है, एयरफोर्स में ईसीजी होता है, रिपोर्ट्स होती हैं, तो बच्चा क्या है मोस्टली वहाँ पर घबरा जाता है या डर जाता है, जो भी है, एंग्जाइटी जो होती है, तो सर आप हमें बता सकते हैं कि सबसे पहले बच्चे को क्या करना चाहिए कि जिससे उनको ईसीजी में जो है नॉर्मल आ सके। सबसे पहले तो ये है कि उनकी पहले ईसीजी हो जानी चाहिए, क्योंकि एक बार या दो बार अगर ईसीजी हो चुकी है बंदे, तो बच्चे को ये पता होगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि अगर पहली बार कोई भी किसी चीज़ के लिए भी जाता, कोई प्रोसीजर होता है या कोई भी टेस्ट होता है, तो आदमी ये सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, तो और सारी चीज़ें ब्रेन से कंट्रोल होती हैं, तो एंग्जाइटी आती है और जैसे ही एंग्जाइटी आएगी तो उसमें एबनॉर्मेलिटी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, और उसके लिए आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे या तो आप मेडिटेशन करके अपने दिमाग को इतना पावरफुल बनाएं, अगर नहीं है तो उस सेंटर को जहाँ पे आपका टेस्ट है एक रात पहले आप विजिट करें, एक रात पहले विजिट करें, ताकि क्योंकि जब आप दूसरी बार जाते हैं कहीं पे भी तो आपका एंजाइटी लेवल वो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली कम हो जाता है। और दूसरी ये चीज़ है, आप कम से कम 2 ECG करा के जाएं, कम से कम 1 ECG में आपको कुछ भी एबनॉर्मेलिटी मिलती है तो फिर भी आप उसको, उसके जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जो भी रिकमेंडेशंस देते हैं आप, वो कराएं, उसके बाद वो रिपीट करें और फिर भी टेस्ट से पहले कुछ दिन पहले वो करा के जाएं, ताकि उनको पता रहे कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सबसे पहले तो ये exactly, और फिर आपने बताया था कि
उनका टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया जे जो अनफिट का जो रीज़न है जी, आपने जी, ये बताया था जी, तो टैकीकार्डिया क्या होता है सबसे पहले तो ये देखते हैं, क्योंकि अपना हार्ट जो होता है जी, वो बीट करता है। लोग कहते हैं कि 72 बार दिन में, 1 मिनट में, 60 सेकंड में धड़केगा, बट किसी का ये तो एवरेज होती है जी सर, और वो मोस्टली लोगों में कहा जाता है, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जिनका 60 से 100 के बीच में एवरेज माना जाता है कि नॉर्मल है जी। अब जिसका 60 से नीचे है उसको ब्रैडीकार्डिया कह देते हैं, 100 से ऊपर है उसको टैकीकार्डिया कह देते तो, हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि ब्रैडीकार्डिया क्या होता है, कि जैसे हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है एग्जाम्स के लिए वो ये पढ़ाया जाता है कि हमारी जो नॉर्मल जो वैल्यू होती है दिल की धड़कने की 1 मिनट में वो 72 होती है, 72 बार हमारा दिल जो है, बट ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। बट हमें पास होने के लिए जो सर ने बताया कि हमें अगर पास होना है तो हमें 60 to 100, 60 से लेकर 100 के बीच में हमारा दिल एक बार धड़कना चाहिए। अगर हमारा 60 से नीचे धड़क रहा है तो उसे ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, मतलब कि हमारी पल्स रेट जो है वो लो है, लो पल्स रेट को ब्रैडीकार्डिया बोला जाता है। और अगर हमारी पल्स रेट 100 से ज़्यादा है तो उसे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, मतलब कि हाई पल्स रेट हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को सबसे पहले जो सर ने बताया नॉर्मल करने के लिए वो ये चीज़ है कि सर का कहना है कि हम अगर फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को देखते हैं या फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें उन चीज़ों को लेकर डर लगने लगता है, हमें एंजाइटी होती है उसे लेकर, जिसकी वजह से हमारे पल्स रेट इंक्रीज होने के, टैकीकार्डिया होने के, मोर देन 100 जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसका एक सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप पहले ही ECG का एक्सपीरियंस ले लीजिए, 1 से 2 बार अपनी ECG आप करा लेंगे तो आपको ये पता होगा कि ECG किस तरीके से होती है, तो आपके एंजाइटी होने के चांसेस कम रहेंगे। सेकंड थिंग कि जैसे कि सर ने बोला कि आप जहां पे सेंटर पे आपका मेडिकल होने वाला है आप वहां जाकर विजिट करेंगे तो आपको थोड़ा सा डर जो है कम लगेगा, बट आई नो कि चांसेस थोड़े से कम रहते हैं सर सेंटर विजिट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली क्या होता है कि बच्चा आगरा में है और उसका जो मेडिकल है वो बेंगलोर में है या लेट जस्ट से जोधपुर में है या बीकानेर में है, तो मतलब उनके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो, हाँ बट नो डाउट आपके पास एक सिंपल सा तरीका है कि आप 1 से 2 बार अपनी ECG कराकर देख लीजिए, जिसमें 2 चीज होंगी, आपको एंजाइटी डर नहीं लगेगा, सेकेंड थिंग कि आपको पता होगा कि ECG कैसी होती है, इनकेस आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको रिपोर्ट्स में पता चल जाएगी। जी सर, आपने अभी बताया कि टैकीकार्डिया एंजाइटी के कारण है। अब ब्रैडीकार्डिया पे आते हैं जी। अब जो ब्रैडीकार्डिया है वो 60 से कम जो आपकी पल्स रेट है 1 मिनट में जी। अगर आपका दिल 60 से कम धड़कता है उसको भी वो एबनॉर्मल मानते हैं, जैसा आपने मुझे बताया जी जी। लेकिन जो बच्चे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं जी। जिनका जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं एथलीट होते हैं उनकी हार्ट की मसल्स रीमोड्यूलेट होती हैं जी। तो उनके लिए ये तो नॉर्मल होता है 60 से कम जी। तो कई लोग होते हैं जिसके जो कि फुटबॉलर होते हैं, कई लोग फुटबॉल खेलते हैं, कई लोग लंबी दौड़ मैराथन करते हैं, अब उनके जो हार्ट की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो स्लोली स्लोली धड़कता है उनका हार्ट, और वो उनका हार्ट 50 से 60 45 इतना रहता है, उसका क्या करते हैं वो रीज़न है, वो उससे पहले इसीलिए उसके उसको यहाँ आके ECG करा के और रिकमेंडेशंस जो भी दी जाती हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की थी आप वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ, एक तो ये हो सकता है, कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन है कुछ का नहीं है, कुछ का सॉल्यूशंस नहीं है, राइट। तो ब्रैडीकार्डिया जो होता है लो पल्स रेट का जो है, जैसे कि सर ने बताया कि जो बच्चे फिजिकल वर्कआउट्स ज़्यादा करते हैं, और ऑब्वियसली बात की आप लोग जो प्रिपरेशन करते हैं फिजिकल वर्कआउट ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है हम लोगों का जो हम फिजिकल का जब प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ये चांसेस होते हैं कि जब आप फिजिकल कर रहे हो लेट जैसे कि आपने फिजिकल ज़्यादा किया तो आपके हार्ट को वो आदत में आ जाता है, उसका वो यूज्ड हो जाता है, इसलिए हमारे पल्स रेट होने के कम होने के चांसेस हो सकते हैं। इस केस में क्या सर ये पॉसिबल है कि हम उस हार्ट रेट को नॉर्मल ला सकते हैं, मोर देन 60 ला सकते हैं किसी भी तरीके से? हाँ, उसमें मैंने आपको बताया कि कई चीज़ें हैं वो उनको उनको किस चीज़ से डर लगता है बेसिकली। ब्रैडीकार्डिया को उनको ये लगता है कि कहीं ट्रेनिंग के दौरान किसी बच्चे को ट्रेनिंग को ऐसा ना हो कि कोलैप्स हो जाए या उनका हार्ट रेट इतना लो हो जाए कि वो गिर जाए जी। तो ये उनको डर रहता है आर्मी को या एयरफोर्स को, तो उस डर के लिए वो उस पे जो भी आपका कैंडिडेट है उसको फेल कर देते हैं क्योंकि उनको डर रहता है। अब उसको करने के लिए अब एको स्कैन्स होते हैं कुछ, अब वो स्कैन्स कर लेते हैं, अगर स्कैन्स नॉर्मल हैं तो
कोई भी घबराने की चिंता वाली बात नहीं है, बट जैसा कि आपने मुझे बताया था कि इतना करने की इतनी सारी फैसिलिटीज़ और इतना करने का ना तो अपनी आर्मी के पास टाइम है, कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, तो वो पहले आके सारी चीज़ें स्कैन करा लें, अगर उनका ब्रैडीकार्डिया है तो एकोकार्डियोग्राम करा लें, अगर हार्ट नॉर्मल है, फंक्शन नॉर्मल है, अगर उनके अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है, अगर कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद अगर उनको टेस्ट के दौरान ECG नॉर्मल लानी है, तो मैंने आपको जो रिकमेंडेशंस दी हैं आप वो उनको पर्सनली पर्सन टू पर्सन बताई जा सकती हैं। एक स्टैंडर्ड रूल नहीं हो सकता किसी का भी, किसी की 55 है हार्ट रेट तो उसके लिए तो थोड़ा करना पड़ेगा, जिसकी 40 है, जो फुटबॉलर है जिसने सारी काफ़ी मैराथन जो 20 किलोमीटर तक दौड़ता है और कई साल से दौड़ रहा है, उसकी तो हार्ट की जो मसल्स की रीमॉड्यूलेशन जो हुई है उसको आप एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए जो रिकमेंडेशंस मैं आपको बता रहा था वो आप उससे पर्सनली कंसल्ट करके एग्जाम करके तभी हो सकती है, उसे हम वो चीज सजेस्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर सर का कहना ये है कि इन केस आपको ब्रैडीकार्डिया है, तो ब्रैडीकार्डिया सपोज जैसे कि बताया कि आप 2 से 3 बार अपनी ECG कराएंगे और आपकी पल्स रेट जो है डाउन आती है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि आपके ECG के बाद एकोकार्डियोग्राम जो होता है, जिसे एको बोला जाता है, वो कर सकते हैं। अगर उसमें आपको प्रॉब्लम है, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि जैसे सर ने मुझे बहुत सारी चीज सजेस्ट की कि अगर किसी को इस टाइप से है तो आप ये चीज उसे सजेस्ट कर सकते हैं, या ये मेडिकेशन दे सकते हैं, या इस ट्रिक से वो चीज ठीक होता है, बट ये ऐसा नहीं कि हर किसी की अगर पल्स रेट डाउन है तो उसको सेम सजेशन देना है या सेम चीज रिकमेंड करनी है, वो डिपेंड करता है आपका प्रॉपर टेस्ट होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके बाद आपको वो चीज सजेस्ट की जा सकती है। तो सर ये तो हमारा टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया का हो गया। अब एक पॉइंट जो नॉर्मली हमें ज्यादा देखने को मिलता है वो होता है ST एलिवेशंस। तो ST एलिवेशंस किस वजह से होते हैं और क्या कॉज होता है उनका? देखिए, ST एलिवेशन एक सीरियस मैटर होता है कार्डियोलॉजी में। ST एलिवेशन का मतलब होता है हार्ट अटैक, सिंपल भाषा में जी। और ST एलिवेशन कितनी ST एलिवेशन है, क्या है, क्योंकि ST एलिवेशन तभी होती है या तो पेशेंट को ऑलरेडी अगर उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है जी, या पेरिकार्डाइटिस है जी, या मायोकार्डाइटिस में तो खैर ST डिप्रेशन ज़्यादा होता है मोस्ट केसेस में, तो पेरिकार्डाइटिस और इसमें इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अब ये बात है कि जो यंग बंदे जाते हैं आपके कैंडिडेट्स, जैसे आपने बताया कि सबकी एज जो ग्रुप है वो 18 से 20 है, तो इन बच्चों की जो स्किन होती, कई बच्चे इतनी एक्सरसाइज करते हैं वो, लेकिन प्रोटीन डाइट भूल जाते हैं जी। तो कई लोगों के पास मसल्स जो मास है वो कम होता है, कई बच्चों के पास में फैट कम होता है, तो ये बहुत डिपेंड करता है बॉडी की स्ट्रक्चर पे, और कितनी वोल्ट, जैसे जब ECG कर रहे हैं आप जी, सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है वो बता रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ है कि आप अगर अपनी चेस्ट पे फैट बढ़ा रहे हैं या मसल्स बढ़ा रहे हैं तो वो उसमें हेल्प कर सकती है कि ST एलिवेशन ना हो, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस। अब अगर पोटेशियम हाई है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपरकैलेमिया जिसको कहते हैं, हाँ, आपकी ब्लड टेस्ट में पोटेशियम हाई है जी, तो वो डेफिनेटली हाई होगी ST एलिवेशंस, या कैल्शियम कम हुआ या अब मैग्नीशियम, डिपेंड करता। तो उसके लिए आपको ECG जैसे मैंने कहा कि एक बार तो करानी पड़ेगी, अगर उसमें कुछ आता है आप उसको रेफर करें ब्लड टेस्ट के लिए। अब ब्लड टेस्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स भी नॉर्मल हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, तब हम उनको वो एडवाइस दे सकते हैं जो मैंने बताया है जी, जिसमें उनको हर पेशेंट अलग होता है, हर बंदा अलग होता है, उसको फिर उसकी चेस्ट और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के डिपेंड करता है जी, कि कैसे उसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। तो इसमें देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसे कि सर ने बताया कि अगर आप मोस्टली जितने भी बच्चे आर्मी एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली बात है कि उनमें जो है फैट कम होता है, रनिंग कर करके फैट कम हो जाता है या मसल्स का मास कम होता है, हमारी चेस्ट जो है
वो अगर पतली है और मास नहीं है तो उसमें चांसेस हैं कि आपको एसटी एलिवेशन हो सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसको हम एक किस तरीके से क्योर कर सकते हैं कि आपको अपनी चेस्ट जो है इंक्रीज करनी है, मसल्स मास इंक्रीज करने। सेकंड थिंग, उसके बाद भी आपको अगर एसटी एलिवेशन आ रहे हैं तो उसके बाद जैसे कि सर ने बताया कि पोटेशियम की कमी हो सकती है, ये सब जो है ब्लड टेस्ट कराने के बाद पता चल जाता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है वो। तो ब्लड टेस्ट करने के बाद अगर सारी चीज़ें नॉर्मल है, कैल्शियम नॉर्मल है, पोटेशियम नॉर्मल आता है आपका, तो फिर एसटी एलिवेशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एसटी एलिवेशन, मैं मेरा कहने का ये मतलब है एसटी एलिवेशन एक खतरनाक चीज़ है जो कि हार्ट अटैक कहा जाता है या चांसेस हार्ट अटैक के ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो अनफिट करते हैं। या पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस वो होता है जो हार्ट एक लेयर के अंदर होता है उसकी इन्फ्लामेशन, तो अगर वो है तो वो बार बार हो सकती है ट्रेनिंग के दौरान। तो आर्मी को ये लगता है कि ये पर्सन ट्रेनिंग के दौरान दिक्कत हो सकती है इसको हार्ट को, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अनफिट कर देते हैं जी। अब क्या कर सकते हैं उसको, सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि यहाँ पे जब ईसीजी आप करेंगे तो अगर एसटी एलिवेशन आता है, आपने देखा कि बॉडी स्ट्रक्चर पतला है जी, ठीक है, उसको हमेशा आप रूटीनली रेफर करें इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, उनके ब्लड टेस्ट के लिए, किडनी, उसके पोटेशियम, पोटेशियम अगर हाई है, लो नहीं, पोटेशियम अगर हाई है तो आपकी टी वेव भी जो एलिवेट होगी और एसटी भी हाई हो सकती है। अगर बच्चे को चेस्ट में पेन नहीं है तो, अगर उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसकी लाइफ के लिए आप एको भी करा सकते हैं बाद में, अगर सारी चीज़ें सही हैं, चेस्ट पेन नहीं है और बार बार सेम ईसीजी है। मान लिया कि आज आपने एसटी एलिवेशन थोड़ी देखी और उसको कोई भी सिम्टम नहीं है, फिर भी आपने ब्लड टेस्ट करा लिए, लेकिन फिर भी 10 दिन बाद आप रिपीट करें जी, अगर उसमें भी एसटी एलिवेशन आ रहा है तो आप वो रिकमेंड करें जो मैंने बताया है, मसल मास और उसकी चेस्ट को इवेलुएट करके जी, जो रिकमेंडेशंस बताई हैं उससे नॉर्मलाइज किया जा सकता है, उससे वो लेकिन वो एक मैजिक, एक जादू चीज़ नहीं है, उसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग, हाँ टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट ये नहीं है कि 100% हर आदमी को हो जाएगा जी। ऐसा भी नहीं है कि नहीं काम करता, काम बहुत चांसेस हाई हैं करने के, काम करने के चांसेस बहुत हाई है, करने के चांसेस बहुत कम है, मतलब कि क्योरेबल है, अगर हम चाहे तो उसे क्योर कर सकते हैं, बट हर डिसीज का देखो एक चीज होता है कि वो क्योरेबल और नॉन क्योरेबल होती है। कुछ हो सकता है आपको जेनेटिक हो, जैसे सर ने बताया कि आपको फैमिली से मिला है, जेनेटिक है, या आपके फैमिली में किसी को है, तो उस केसेस में चांसेस हैं कि हम उसे क्योर ना भी कर पाए। कई चीजें हैं, कई चीजें एबनॉर्मल होती हैं, कई चीजें डिजीज के साथ लिंक्ड होती हैं, कई चीजें नॉर्मल होती हैं, नॉर्मल वेरियंट। अब जो बच्चा पतला है और उसकी स्किन पतली है उस पे एसटी एलिवेशन यूजुअली हाई आएगा अगर उसकी एज 18 साल है, उसको हम एज अ कार्डियोलॉजिस्ट कंसिडर करते हैं नॉर्मल, लेकिन जो फिजिशियन इवेल्युएट कर रहा है वो रिस्क नहीं लेगा जी, क्योंकि उसको एग्जाम करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे, पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, वहाँ पे इतना टाइम तो होता नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियस, हाँ, और ना ही वो फिर वो रेफर करेंगे, वो ऑफ कोर्स टेम्प्रेरी अनफिट या परमानेंट अनफिट करके स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जो प्रोसेस है जी। हाँ, तो उसको आप प्रोसेस को शॉर्टन करके आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आप अपना ईसीजी कराएं और आप उनको इवेल्युएट करें, हिस्ट्री लें उनकी, अगर चेस्ट पेन की कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है और फिर भी एसटी एलिवेशन रहा है तो आपने ब्लड टेस्ट उसी दिन कराए हैं, सब नॉर्मल आ रहा है, कोई हार्ट अटैक का आपको रिस्क नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद भी एसटी एलिवेशन है तो चांसेस हैं कि उसके हार्ट मसल्स कम है और स्किनी पर्सन हो सकता है, वो पतला पर्सन हो सकता है, तो उसको जो एक्सरसाइज बताई जाएंगी, जो आप बताए थे मैंने आपको फिजियोथेरेपी के चांसेस हैं, वो आप रिकमेंड कर सकते हैं जिससे कुछ महीनों में वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन अब नॉर्मेलिटी अगर किसी डिजीज़ के कारण है वो चांसेस बहुत कम है, हाँ, क्योंकि कुछ बच्चों में पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। अब पेरिकार्डाइटिस के लिए तो उनको दवाई लेनी ही पड़ेगी ट्रीट करने के लिए, हाँ, तो वो वायरल भी हो सकता है, क्या होता है उसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ेगी, आपको रेफर करना ही पड़ेगा उसको, हाँ, तो इसलिए, लेकिन अगर आपने सब ट्रीट कर दिया तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर पेरिकार्डाइटिस है, एसटी एलिवेशन से सब नॉर्मलाइज हो गया
तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वहाँ पे। सेम चीज़ अप्लाई होती है एसटी डिप्रेशन पे। हाँ, अगर ज़्यादा एसटी डिप्रेशन है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, राइट। ये एसटी डिप्रेशन भी एक पॉइंट है जो बच्चों को मिलता है वहाँ पे। एक्चुअली में क्या होता है कि सर, जब बच्चे का वहाँ पे ECG किया जाता है तो जब उसे टेम्परेरी जब अनफिट किया जाता है और उसे मेडिकल के लिए रीमेडिकल के लिए जो पर्चा दिया जाता है उस पे बहुत रेयरली चांस होते हैं कि वो लिख कर दे कि उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। उसे मोस्टली क्या लिख कर दे देते हैं, ECG अबनॉर्मेलिटी। हाँ, है ना। तो ECG अबनॉर्मेलिटी में बच्चे क्या समझने लगते हैं कि हम सबको एक तरीके की प्रॉब्लम है, बट ECG अबनॉर्मेलिटी की उसे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जो मेडिकल जो वहाँ पर जो करते हैं मेडिकल एक्सपर्ट जो होता है वो किसी भी चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं होता है। हाँ। वो कार्डियोलॉजी में जो है एक्सपर्ट नहीं है, तो वो अपनी तरफ से जो है लिख कर दे देते हैं ECG अबनॉर्मेलिटी है और इस अबनॉर्मेलिटी का पता किया जाए कि ये क्या है, क्या है। उसके बाद तो उनको जो रेफर किया जाता है वो स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया जाता है। इसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि जो MD मेडिसिन जो होते हैं वो भी जो है इस चीज़ को वहाँ पर करते हैं और कार्डियोलॉजी के पास भेज देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें एबनॉर्मल मैंने जैसे बताया और कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं। हाँ, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मुझे जो चीज़ नॉर्मल लगेगी क्या पता फिजिशियन को वो डाउट होगा, इसीलिए तो कार्डियोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लिंक्ड होती हैं डिजीज़ से और वो डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है और इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए वो और इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं और वो जो मेडिकल ऑफिसर है उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे कराए या वो करे। हाँ। उससे बेटर है वो एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेगा। ऑब्वियसली कि आपको ऑन ग्राउंड जो है कार्डियोग्राम जो सर ने बताया वो नहीं किया जा सकता, या सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड जो है, जैसे कि आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने मेडिकल कराया है तो हमें ये चीज़ पता है कि ऑन ग्राउंड किसी भी मशीन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इट डजेंट मीन कि आपको अगर ऑन ग्राउंड पॉइंट दिया जाता है तो आप मेडिकल अनफिट है। इट मीन्स कि आपको जो है एक एक्सपर्ट के पास भेजा गया, एक स्पेशलिस्ट के पास भेजा गया ताकि वो इस चीज़ का पता लगाए। अगर नॉर्मल है तो ऑब्वियसली आपको फिट दिया जाएगा और अगर अब नॉर्मल है तो आपको उस चीज़ के लिए अनफिट किया जाएगा। और जितने भी कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसमें वो लोग अनफिट इसलिए नहीं करते कि उन्हें आपसे कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़, क्योंकि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि हमें फिजिकल वर्कआउट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है फोर्सेस में। तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आगे चल के ना आ जाए, आप कोलैप्स ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, इसीलिए आपको वो लोग अनफिट करते हैं सिर्फ आपके सेफ्टी के पर्पस की वजह से। राइट। हाँ, हाँ। तो अब सर जो नेक्स्ट जो है जो हमें पुअर वेव प्रोग्रेशन जो आते हैं जो पुअर आर वेव प्रोग्रेशन होते हैं वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे। अगर उन्होंने जो ECG की सेटिंग्स हैं मोस्टली नॉर्मल ही सेटिंग करते हैं 10 mm जो उसकी एम्पलीट्यूड होता है मेनली उसकी सेटिंग्स अगर नॉर्मल है, स्पीड की यूजुअली स्पीड रखते हैं 25 mm/s और जो वोल्टेज रखते हैं 10 volts, लेकिन किसी ने अगर वोल्ट बाई चांस जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये होती है अगर पाँच वोल्ट भी होती है तो देन वोल्टेज ऑटोमेटिकली कम हो गया एम्पलीट्यूड। अगर ECG जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उस पर होती है और उस पर क्या होता है कि अगर आपके आर वेव जो होती है उसका क्या प्रोग्रेशन होना चाहिए कि V2 to V4 जो प्री कॉर्डियल लीड्स होती हैं आपकी 6 उस पर वो ये क्या देखते हैं V2 से V4 तक आपकी आर वेव बढ़नी चाहिए, जो ट्रांजिशन फेज है वो V3 से V4 पे होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ बच्चों में आर वेव बढ़ नहीं रही ना V2 में और ना V3 में और सीधा V4 में स्लाइटली बढ़ी और V5 में बढ़ रही है बस और V6 में बढ़ रही है थोड़ी सी तब उसको कहा जाता है पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि ऑब्वियसली जो सर ने बताया जो वेव्स जो सर आपको जो बता रहे हैं और जो V4, V2, V5, V6 जिन चीज़ों का सर जो यूज़ कर रहे हैं ये लीड्स होती है जो ECG के टाइम पे हमारे लगाई जाती हैं वो चीज़ है। तो सर क्या ये चांसेस हैं कि ये मशीन की प्रॉब्लम की वजह से भी हमें आ सकती है या जो आपने बताया कि वो सेट नहीं है अच्छे से तो हाँ, उसकी वजह से भी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला जो मोस्टली चांसेस होते हैं वो एक मशीन की अबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है। नंबर जब सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है इसमें क्योंकि क्यों हम अनफिट करते हैं उसका रीज़न है हार्ट अटैक। क्योंकि अगर पुअर आर वेव प्रोग्रेशन है तो उस पर्सन को चांसेस हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस होंगे या उसको चांसेस होंगे कि
कोई अदर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो या और कोई अबनॉर्मेलिटी, कंडक्शन अबनॉर्मेलिटी हो सकती है, क्योंकि आर वेव प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आर वेव का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, जो भी उनका जो स्लोइंग है, तो ट्रांजिशन जो होनी चाहिए वी टू टू वी टू फोर वो कम हो जाती है. हाँ, तो वो कम क्यों है, अब वो कैसे की सही की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, वो हर पर्सन पे टोटली डिपेंड करता है, हिस्ट्री पे टोटली डिपेंड करता है. उसके लिए तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस ही लेनी पड़ेगी, उसके लिए हमें कार्डियोलॉजिस्ट में ही जाना. हाँ, और सबसे पहले आपको दो तीन ECG अलग अलग जगह करा के देखनी पड़ेंगी कि हर जगह है जी या एक जगह है. एक जगह. हाँ, अगर आपने दो तीन ECG पहले करा रखी है, उसमें कोई पुअर आरवे प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन अगर टेस्ट के टाइम पे आपको पुअर आरवे प्रोग्रेशन है, तो आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि प्लीज रिपीट करें. बिल्कुल राइट. क्योंकि पुअर आरवे प्रोग्रेशन एक दिन में नहीं आती. नहीं आता. राइट सर. तो उसके आप एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज़ रिपीट करें. सेम चीज़ आपने साइनस अरिदमिया के लिए कहा. साइनस अरिदमिया तो नॉर्मल चीज़ है. कोई भी आदमी अगर सांस लेता है तो रेस्पिरेटरी वेरिएशन के कारण जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो एबनॉर्मल उनका गैप हो जाता है जी. वो बिल्कुल इट इज़ अ नॉर्मल थिंग. ठीक है. बट उसमें शायद उनको ये लगे कि ये एबनॉर्मल मतलब जो कॉम्प्लेक्सेस है, नॉर्मल जो उनका इंटरवल होता है वो थोड़ा सा अगर एबनॉर्मल हो जाए जी. तो उसको शायद इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस के पास फिजिशियन भेजता होगा. लेकिन ये मेरी एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मुझे एक नॉर्मल प्रोसेस लगती है जी. अगर किसी को साइनस अरिदमिया है, ये रेस्पिरेटरी वेरिएशन के कारण है. तो साइनस अरिदमिया का जो पॉइंट मिलता है हमें ECG अबनॉर्मेलिटी में, तो मैं आपको बता दूं कि साइनस अरिदमिया क्या है, कि हमारा जो रेस्पिरेटरी मतलब जो हम सांस लेते हैं उसमें अगर फ्लक्चुएशन है, तो उसकी वजह से हमें साइनस अरिदमिया एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, और उसे जो है कि आप रिपीट करने के बाद या सारी चीज़ें करने के बाद हो सकता है. बट द थिंग कि जो चीज़ मैंने पहले आपको नोटिफाई कराई थी कि क्या होता है कि लेट जस्ट से कि अब मैं जो है एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली कि अगर मुझे रिपोर्ट में दिखेगा कि साइनस अरिथमिया है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मे बी ये प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है. तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, रिस्क ना लेते हुए आपको जो है रीमेडिकल के लिए प्रेफर करूंगा, और आपको भेज दूंगा मैं स्पेशलिस्ट के पास, जहां वो ये चीज कंफर्म कर देंगे साइनस अरिथमिया इज अ नॉर्मल थिंग, और आप जो है मेडिकल फिट हो जाओगे रीमेडिकल में. उसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि जो ECG होती है वो छोटी एक पेपर होता है जी. उसमें कुछ बीट्स होती हैं और एक जो स्ट्रिप होती है वो लंबी होती है V2 या सेकंड जो सेकंड लीड होती है. अब उसमें क्या होता है कि आपकी जो रेस्पिरेट जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं QRS कॉम्प्लेक्सेस P वेव के साथ में, वो उनका इंटरवल नॉर्मल होना चाहिए. ठीक है, उसको कहते हैं बिल्कुल नॉर्मल साइनस रिदम. ठीक है. अब उनके गैप्स अलग अलग हैं तो चांसेस होते हैं अरिदमिया के जी सर. और अरिदमिया के चांसेस ऐसा भी हो सकता है कि पी वेव कई बार एबनॉर्मल भी इंटरप्रिटेशन हो सकती है. तो फिजिशियन ये रिस्क ना लेते हुए कि भाई अरिदमिया मिस ना हो जाए, उससे बेटर है कि वो एक्सपर्ट एडवाइस ले ले. इसलिए वो आपको अनफिट कर सकता है मेरी नज़र में. बट एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं उसे नॉर्मल मानता हूँ, और वो रेस्पिरेटरी वेरिएशन के कारण है. अगर यहाँ पे होती है आपके पास, आप दोबारा रिपीट करें, सांस रोक के थोड़ी देर के लिए, और एक सेकंड का या दो सेकंड के लिए, मतलब कि एक मिनट के लिए अगर बच्चा सांस रोक सकता है, या 30 सेकंड के लिए सांस रोक सकता है जब तक वो ECG करते हैं. यूजली ECG 10 सेकंड में हो जाती है. और 10 सेकंड के अंदर कोई भी मशीन यूजली 10 सेकंड में अपना इंटरवल जो भी होता है उसका 10 सेकंड में एनालाइज करने के लिए रेडी है. अगर बच्चा सांस रोक सकता है 20 सेकंड 30 सेकंड तक, तो उसको नॉर्मल आना चाहिए. हाँ, लेकिन वो जब पता होगा ना, जब आप 2-3 बार ECG करा चुके हैं. हाँ, तो ECG बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे कि सर ने बताया कि जो पुअर आरवी प्रोग्रेशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो सर ने क्या बोला कि शायद आपने नोटिस किया भी होगा और नहीं भी किया होगा, तो मैं आपको नोटिस करा दूं कि इन केस आपने पहले ECG कराई है और आपको ये चीज नहीं आई है, पुअर आरवी प्रोग्रेशन आपको नहीं आया है, तो इट मीन्स कि जब आपकी वहाँ पे ECG हुई है और आपको ये प्रॉब्लम आती है, तो आप उनको बोल सकते हो कि सर अभी मैंने कुछ टाइम पहले ECG कराया तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं था.
तो लाइक मोस्ट चांसेस है कि आपका वो वापस से ईसीजी करेंगे और आपको वो प्रॉब्लम ना आए। हाँ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी। और जैसे साइनस अरिदमिया है तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हो सकता है कि मेरी सांस मैं ज़्यादा सांस फूल रखी एक्सरसाइज के बाद है, या मैं नर्वस हूँ, या कई बार होता है कि बच्चे पहली बार एक बार ईसीजी करा रहे हैं, नर्वस हो सकता है। हाँ। तो उससे उनकी हार्ट रेट भी बढ़ सकती है और उनके सांस की, जैसे मैंने बताया कि उनके जैसे हार्ट रेट बढ़ेगी तो सांस जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी बढ़ेगी। हाँ, और बढ़ेगी तो ऑफकोर्स वो इंटरफेयर कर सकती है ईसीजी के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप हमारे वीडियो देखकर जा रहे हो तो आपको ये सारी नॉलेज मिल जाएंगे, और आप जब जाकर वहाँ बोलोगे जो भी आपके ईसीजी कर रहे हैं, जो भी ऑफिसर आप ईसीजी कर रहे हैं, आप उनको बोलोगे कि सर ये चीज़ है, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा कि लाइक ये बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ये पूरी नॉलेज लेकर यहाँ पे। हाँ। तो ये चीज़ जो है आपका इंप्रेशन जो कास्ट करेगी, जो इंप्रेशन डॉक्टर के ऊपर डालेगी वो बहुत अच्छा डालेगी, और यही रीज़न था कि हमने आज सर के साथ यहाँ पर वीडियो बनाया ताकि हम इन सब चीज़ों की जो है नॉलेज ले सकें। तो सर एक और जो है पॉइंट होता है वो होता है प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, तो ये प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन सर क्या होता है? ये प्री मैच्योर दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, एट्रियल और वेंट्रिकल। जी, PACs बोलते हैं इसको, प्री मैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स, और PVC बोलते हैं प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होता है कि आपके जो डीपोलराइजेशन एट्रिया और वेंट्रिकल्स के होते हैं, कंडक्शन सिस्टम होता है आपका, वो प्री मैच्योरली होता है। और उसका जो अगर आप देखते हैं ECG में तो मोस्टली आपका मोस्टली रैंडम बंदे में 300 से 200 तक हो सकता है 24 घंटे में। जी। ये नॉर्मल माना जाता है। जी। और उससे ज़्यादा अगर है जी। तो उसको एबनॉर्मल माना जाता है, लेकिन ECG पे आ रहा है दैट मीन्स आपकी रैंडम ECG पे PVC आ रहा है, दैट मीन्स आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है। उसके लिए ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है, या फिर कोई और एबनॉर्मेलिटी है, कंडक्शन एबनॉर्मेलिटी है, आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी ही पड़ेगी। कार्डियोलॉजी एडवाइस लेनी पड़ेगी, होल्टर इन्वेस्टिगेशन होगा, एको होगा, देखनी पड़ेगी कि एक दिन में कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। अगर आपका कई बार PVC मान लिया कि आपके 10,000 आ रहे हैं या हर दूसरी बीट PVC है, विच इज़ कम्प्लीटली मतलब डेंजरस नहीं, मतलब बाईजेमिनी हो सकती है, ट्राईजेमिनी हो सकती है, हर थर्ड बीट आ रही है जी, एबनॉर्मल PVC प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, हाँ, तो उसकी तो ट्रीटमेंट आपको लेनी ही पड़ेगी, और वो भी एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट से। जी। तो उसके लिए मतलब फिटनेस मैं नहीं बता सकता कि कैसे फिट होगा या नहीं होगा, उसके लिए तो एक्सपर्ट एडवाइस लेनी हर बच्चे को लेनी पड़ेगी, वो एक सीरियस इशू है। हाँ, और PACs जो होती हैं वो मैंने जैसे बताया कि 200 से 400 हर आप में भी हो सकती हैं, मेरे में भी हो सकती हैं, क्योंकि दिल जो धड़कता है 24 घंटे में, हम एवरेज हार्ट रेट लेते हैं जैसे 70, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी मेरी हार्ट रेट 70 और रात को सोते वक्त 40 होगी, 50 भी हो सकती है, लेकिन दिन में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो 110 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है, तो उसकी एवरेज ली जाती है। जी। हाँ, तो इसी तरीके से ये है कि PVC अभी हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और लोगों को पैल्पिटेशन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इशू हैं। तो अगर आपको नॉर्मल रैंडम ECG पे दिखता है तो बेटर है आप एक्सपर्ट एडवाइस लें। राइट सर, तो इसके लिए हमें जो है जो कार्डियोलॉजी जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी एडवाइस लेने चाहिए। तो सर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ दो चीज़ और है मैं जिनके बारे में जानना चाहूँगा, जो मोस्टली देखने को मिलता है, जिसे राइट एक्सिस डेविएशन और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन जो होते हैं, तो सर ये किस वजह से, मतलब मोस्टली हमने देखा है कि जब भी हम यहाँ पे ECG करते हैं एयरफोर्स वाले बच्चों, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है कि बच्चों को राइट एक्सिस डेविएशन और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलता है, उसमें भी ECG के पॉइंट्स जो है बहुत मिलते हैं। लाइक जो बच्चे ECG अबनॉर्मलिटी लेकर आते हैं तो उन्हें जब वो वहाँ पे पूछते हैं कि सर क्या प्रॉब्लम, तो उन्हें बताया जाता है कि आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन था, LAD था या RAD था, राइट एक्सिस डेविएशन था। तो सर ये इसका कॉज क्या होता है? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का और राइट एक्सिस डेविएशन के जो रीज़न हैं, कॉजेज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं उनमें। लेफ्ट के यूजुअली जो रीज़न है उनका कंसर्न है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मेनली, या लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, उनके लिए
क्योंकि अगर इंटरप्रिटेशन वो कर रहे हैं अच्छे से और अगर आपको पीआर इंटरवल भी अगर ज़्यादा चला जाता तो वो ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक हो जाता है, कंडक्शन सिस्टम पे डिपेंड करता है जी। और एक्सिस जो होती है जो आपका ईसीजी का जो सर्कल होता है उसमें -30 to -90 जो डिग्री का एंगल आता है उसमें अगर है तो आपकी एक्सिस उसके अंदर है तो लेफ्ट हो गई, अगर 90 to 180 है तो वो पॉजिटिव में जाती है तो वो राइट हो गई। हाँ, मोस्टली डिपेंड करता है कि कौन सा वेंट्रिकल अफेक्टेड है, राइट वेंट्रिकल की एनलार्जमेंट है तो राइट एक्सेस आएगी, लेफ्ट की है तो लेफ्ट एक्सेस आएगी, और कंडक्शन सिस्टम पे डिपेंड करता है। अब उसको देखने के लिए अगर यहाँ पे आती है हाँ उसको ठीक करने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जैसे कि मैंने कहा पीएसीज पीवीसीज को भी ठीक करने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि नॉर्मल भी होते हैं और एबनॉर्मल भी होते हैं। हाँ, और ऐसे ही एक्सेस होती हैं, आप एक्सेस जो होती हैं कहाँ पे हैं, अगर आपका जैसे मैंने बताया था कि LVH जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट है हाँ, तो पेरिकार्डाइटिस जो ST एलिवेशन होती है वो स्किनी जो बंदा है उसके अंदर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सेम चीज़ अप्लाई होती है कि टॉल आर वेव होती हैं और टॉल आर वेव भी स्किनी लोगों में ही होती हैं मोस्ट लाइकली, और उनके उनको पहले असेस किया जाएगा, आपको आप देखेंगे कि क्या रीज़न है, अगर उसमें कोई डेंजरस रीज़न नहीं है आप चेक करवा के सारी चीज़ें देखते हैं कि लेफ़्ट बंडल के चांसेस नहीं, कुछ चांसेस नहीं हैं ज़्यादा, तो आप उनको और फिर भी ECG में लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन दिखा रहा है मल्टीपल बार भी, तो आप यहाँ से एक्सपर्ट एडवाइस लेके सारे स्कैन्स करा के आप उनको रिपीट टेस्ट के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि वो आपको बताया आपने कि टाइम देते हैं 3 महीने का या 1 महीने का, तो उस दौरान आप उस फिजिशियन से बात कर सकते हैं, आपके साथ में जो टेस्ट हुए वो डिस्कस कर सकते हैं, और इट डिपेंड करता है क्योंकि सेम चीज़ अप्लाई होती है मर्मर पे, कार्डियक मर्मर पे। हाँ, तो कार्डियक मर्मर क्या होता है, एक साउंड होती है, साउंड जो होती है वो नॉर्मल भी हो सकती है एबनॉर्मल भी हो सकती है, क्योंकि वो एक नॉर्मल वो हर्ट की साउंड होती है लब डब, लेकिन उसके बीच में अगर कुछ साउंड होती है अब वो साउंड एबनॉर्मल भी हो सकती है वाल्व की नैरोइंग के कारण। अब उनको डर ये क्या रहता है क्योंकि ECG तो ये चीज़, या आप स्टेथोस्कोप से तो आप ये नहीं देख सकते कि उस कौन कैसा वाल्व है, हाँ क्या चीज़ है और कहाँ है, अब उसके लिए स्कैन कराने पड़ते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नॉर्मल वेरिएंट होते हैं बहुत सारे, फिजियोलॉजिकल होती है, जैसे यंग जितने भी यंग लोग होते हैं उनमें मोस्टली आप देखेंगे कि 5 से 7% लोगों में नॉर्मल होती है फिजियोलॉजिकल, इट इज़ अ नॉर्मल वेरिएंट। मैं खुद देखता हूँ अपने जितने भी मरीज होते हैं भेजे जाते हैं GP जो नॉर्मल भेजे जाते हैं एक्सपर्ट एडवाइस के लिए, तो उनका स्कैन्स वगैरह सब नॉर्मल है तो उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल मर्मर। अब कुछ लोगों के पास में जैसे प्रेगनेंसी में हो जाती है, कई बार फीवर हुआ है, वायरल हुआ है आपको, तो उस दौरान आपका ब्लड फ्लो बढ़ा है तो उस कारण भी आवाज़ आती है, उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल मर्मर टेम्पररी, वो जा भी सकती है आ भी सकती हैं, वो एक बड़ी चीज़ नहीं है। तो सेम चीज़ एक्सेस डेविएशंस की हैं। अब मर्मर अगर आपको सुनाई दे रही है और आपका स्कैन नॉर्मल है तो आप कह सकते हैं कि ये एक साउंड जो है फिजियोलॉजिकल है, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि देखिए ये सारे स्कैन नॉर्मल हैं हाँ, और आप और कहाँ पे है, और आप ट्राई कर सकते हैं कि उसको साउंड ना आए उसके लिए भी आप फिजियो जो आपको रिकमेंड कर सकते हैं, जो फिजिकल मैंने आपको बताया था रिकमेंडेशंस जो दी थी, फिजिकल रिकमेंडेशन से ही होता है, इसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुमित राणा, जैसे मैंने आपको बताया जो कार्डियो सर्जन है, दिल के सर्जन जो है वो है। तो सर हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जी। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं कार्डियो सर्जन नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट जी। हाँ तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं ये, एंड सेकंड थिंग कि जितना भी सर ने हमें बताया आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो टू द पॉइंट में अगर आपको बताना चाहूँ कि इस चीज़ में आपको क्या करना है, द थिंग इज कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले ECG कराएं। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली बात है, हर बीमारी का सॉल्यूशन और
होना और ना होना ये जायज़ सी बात है। तो सबसे मेन जरूरी जो है कि आपको ईसीजी की ज़रूरत है। ईसीजी कराने के बाद इन केस आपको कोई भी पॉइंट आता है या कोई भी अबनॉर्मेलिटी आती है, उसके बाद आपकी जो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो कराई जाएंगी। उसमें अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं वहाँ पर अपने री मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है या ईसीजी अबनॉर्मेलिटी जो आती है उस चीज़ के लिए। तो एंड सेकेंड थिंग मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि एक बार अपना वीडियो, जो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी इस चीज के लिए जो है नॉलेज मिल जाएगी। और सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं कि सर ने मुझे स्पेशली ये चीज बोली थी जब मेरी सर से बात हुई थी कि इन केस कोई बच्चा ऐसा आता है और आपको लगता है कि उसे एडवाइस की जरूरत है और मैं कोई भी एडवाइस अगर दे सकता हूं तो आप मुझे उस बच्चे के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हो सकता है कि कोई छोटे मोटे पॉइंट हो और आप उस चीज को सीरियस ना लें, अगर आप ईसीजी कराते हैं आपको आता है तो सर पूरी तरीके से हमारी हेल्प करने के लिए। बिल्कुल अंकुश, जो भी आप कहेंगे, अगर हमारे पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी है उस बच्चे को हेल्प करने की, तो आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच सर। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो देखने के बाद सर को एक बार थैंक यू जरूर बोलना, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद जय।